हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मुरादाबादी दाल। देखेंगे इस तरह से बनाना है। ये देखें, मुरादाबादी दाल बनाने के लिए हमने मूंग की दाल ली है। मूंग की दाल ही विशेषकर बनती है, और ये मूंग की दाल को हमने 1-1.5 घंटे पहले भिगो दिया है। ये देखें, इसको 4-5 पानी से अच्छे से धोएंगे। इसमें सफ़ेद पानी ज़्यादा निकलता है, इसलिए अच्छे से धोएं इसको। और ये मैंने छौंके के लिए लिया है जीरा, और हींग लिया है, और नमक लिया है स्वाद अनुसार। अब हम इसको बनाएंगे, देखेंगे, छौंक देंगे। ये देखिए, हमने गाय का शुद्ध घी इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ा सा 2 चम्मच घी डालेंगे, और इसमें हम हींग, जीरा और दाल छौंक देंगे फटाफट। इसको धीमी धीमी आंच पे जितनी देर पका सकते हैं अच्छे से पकाएं, बहुत स्वाद आता है इसमें धीमी धीमी आंच में पकाने से। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। इसे भून लेंगे, 1 मिनट भूनने के बाद पानी डाल देंगे इसमें। देखिए पानी डाल देंगे आवश्यकता अनुसार, ज्यादा पतले में रखना है इसको। इसको धीमी धीमी आंच पे ही बनाएं। इसको ढक दें, हल्का सा खुला रहने देंगे, और धीमी आंच कर देंगे इसके, और धीमी धीमी बीच बीच में इसको चला के भी जाना है अच्छे से, और धीमी आंच रखना है बिल्कुल। करीब आधा घंटे से ऊपर लेगी दाल बनने में। ये देखिए, ये तैयार है दाल। जब इस तरह से हो जाएगी ये दाल तो समझिए बन गई है। अच्छी सोंधी सोंधी खुशबू आएगी इसमें। अब मसाले इसमें हम ऊपर से ही डालेंगे, ऊपर से ही डालते हैं। ये मुरादाबाद में तो चाट पत्ते पे दी जाती है, चाट पत्ते पे खिलाई जाती है मसाला वसाला डाल के। लीजिए, हम भी प्लेट तैयार कर देते हैं। ये देखिए, दाल हमारी बन के तैयार है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये मैंने दाल मसाला बनाया है, इसका वीडियो मेरे साइट पे है, वो देख लेंगे आप, उसको फॉलो कर लें। और नहीं आप ये मसाला बना सकती हैं तो आप इसमें काली मिर्ची और डाल दें, और नमक स्वाद अनुसार जैसे भी चख के। अब मैं इसमें चुटकी से ही डालूंगी मसाले सारे। देखिए, मैं दाल मसाला डाल रही हूँ। ये नींबू रस लिया मैंने थोड़ा, कि हमारे दाल मसाले में भी नमक डाला हुआ है, और उबलने में भी दाल में डाला हुआ है, इसलिए हम नमक स्वाद अनुसार ही डालेंगे। ये देखें, ये भुना जीरा डाल रही हूँ। ये लीजिए, ये चाट तैयार है, बहुत टेस्टी लगती है। इसको नाश्ते में भी खा सकते हैं आप, और ये वहाँ पर चाट पत्ते में मिलता है, चाट भी खाते हैं। इसकी खाएं, खिलाएं और मौज मनाएं। Thank you.